जी हाँ, ये तस्वीरें हावड़ा की हैं, जहाँ पर एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। एएनआई के हवाले से कहा जा रहा है कि इस दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई, साथ ही उन्होंने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को साथ में मिलकर हरी झंडी दिखाई गई। पीएम मोदी ने मां हीराबेन के निधन के बाद पश्चिम बंगाल दौरे को स्थगित करते हुए कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का प्लान बनाया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंच पर बीजेपी नेताओं और समर्थकों की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए जाने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हुई। वो मंच पर ही नहीं चढ़ी और उनकी कुर्सी वहां खाली रह गई। सीएम मंच के नीचे प्लेटफॉर्म के पास पड़ी कुर्सी में बैठे रहीं। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद नीचे से ही उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख भी जताया। थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक सम रेस्ट एंड आई डू नॉट नो हाउ टू गिव माय कंडोलेंसेस मैसेज टू योर फैमिली मेंबर्स एंड द अदर्स बिकॉज़ मदर इज नो substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG police, my chief secretary, my home secretary, my Howrah commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives, and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सबने निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।